Hey, तुम बीच रास्ता में क्या करता है? उड़ जाओ। तुम बीच में क्या को चलता है? एक्सक्यूज मी मैडम, हमारा नाम है भोको मुखर्जी। हाँ भोको। अरे भोंकने को ना कह रही हूँ भोको बोलो। नहीं, एक तो बुरा सा नाम रखा है माँ बाप ने, उस पर गलती हमसे है। ओ अच्छा वैसा। मैडम हमको एक FIR लॉज कराना है। हाँ भाई, फिश फ्राई है, माचर झोल, नके झोल हो गया था रे संग। अरे मैडम आपको क्या बताएगा हम? ना रहने दे, मन ने कतई ना बता, तू आर नो छोजने करने बता दे, वो थारी समस्या हर लेगा। अब बोलो बोलो। मैडम हमको एक घर खरीदना था लोन में, क्योंकि हम कभी इधर उधर से पैसा लिया नहीं, तो हमको एक लोन दिलाने वाला मिला। वो हमको बहुत सुंदर बिल्डिंग में एक घर भी दिखाया, 50 लाख का फ्लैट। हाँ, वो हमको बोला कि अगर 10 लाख हम बिल्डर को देगा ना, तो बाकी 40 लाख वो हमको बैंक से लोन दिला देगा। तो हम भी सोचा कि 50 लाख का फ्लैट 10 लाख में मिलता है तो हम भी मान गया। तो तुम्हारा लोन पास हुआ? अरे किधर पास हो गया, वो हमको बताया कि एक एक बैंक है झटपट बैंक, वो झटपट एकदम टाका दे देता है फटाफटी। अरे ये चक्कर में हम 10 लाख रुपए बिल्डर को दे दिया। मैडम आज 1 साल हो गया, 1 साल हमारा लोन अभी तक सैंक्शन नहीं हुआ है। भाई कौन हो रहा है ये लोन इब्राहिम है, बुलवाओ साले ने। ओके मैडम, मेरा नाम है लोकेश लोनर, वैसे आपको भी दिला दूंगा। ना इसने तो कतई दिला कोई ना पा रहा तू, न मन ने जरूर दिला देगा। अरे क्यों ना दिला रहा तू इसका लोन? देखिए मैडम, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो किसका कसूर है? इन्हीं का कसूर है, वैसे आपको भी दिला देंगे। क्या है मैडम, इन्होंने जो है वो अपने सारे पेपर अभी तक सबमिट ही नहीं किए। दूर बैंक बाजे कोटा पहुंचो, मिथ्या कथा मिथ्या। अरे मुख देखे चिंते बारी मिथ्या कथा, झूठ बोलता है आदमी झूठ। हाँ अरे जितना कागज है 1 साल में हम तुमको दिया है ना, उतना कागज हम अपना रद्दी वालों को नहीं दिया। और कौन सा कागज चाहिए तुमको? हाँ बैंक का नाम क्या हो रहा है? फटाफटी बैंक, झटपट बैंक। क्लियर बोल ले, फटाफटी ना झटपट, झटपट बालको झटपट बैंक के झटपटियों ने झटपट धर के लाओ। हाँ हाँ हाँ, देखिए आप मेरी बात सुनिए, हमारी झटपट बैंक की यही तो खासियत है। हाँ, हम बिना एप्लीकेशन लोन देते हैं और बिना 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 फाइल हम लोन सैंक्शन करते हैं। आप टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लो, बस आपका लोन हो गया समझो। अरे 10 लाख क्या चीज है, बोलो 20, 30, 40। टिंकी क्या किया इन्होंने? अरे ये क्या किया आपने? माय क्यूटी 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 ओए ब्यूटी कम क्यूटी। ना ऐसा ना, अभी तो फोन का यो हाल करा है, तुम्हारे सवालों का सही सही जवाब कोई ना दिया ना, तो दोनों के सिम कार्ड निकाल के फेंक दूंगी मैं। अगर हमारी मैडम का दिमाग बड़े आ गया ना, मेरा मतलब है अगर हमारी मैडम को गुस्सा आ गया तो ये लोमड़ी से भी, अरे यार मतलब ये शेरनी से भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है यार। अरे यार तुम लोग इस बेचारे का लोन क्यों नहीं सैंक्शन कर रहे? कौन है ये? भौको, ये देखिए सर, ये भौको मुखर्जी है जिनकी फाइल 1 साल से हमारे पास है। देखिए मैडम, इसमें हमारा क्या कसूर है? इसकी जो फाइल है ना, उसमें कई ऐसे पेपर है जो मिसिंग है, इसके लिए इसका लोन का चेक मिसिंग है। ठीक है ना टिंकी? यस क्यूटी 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 क्यूटी। और वैसे भी ये लोकेश लोनर के थ्रू है जो खुद एक ट्रेनी है, 2.5 साल बाद परमानेंट हो जाएगा, तो इनकी फाइल भी ओके कर देंगे। क्यों 2.5 साल? अरे मैडम इसको बोलो हमको फ्लैट नहीं चाहिए, बिल्डर को बुलाओ और हमारा 10 लाख रुपए हमको वापस दो, फ्लैट नहीं चाहिए हमको। अरे बालको ना इस बिल्डर ने बुलाओ। हाँ जी जी। भूषण भाटिया नाम है मेरा, अकेले ना तो बारात में भी होता तो क्या कर लेता तू। मैडम अभी हमारी बारात निकली ही कहाँ है। मैडम मैडम हम कुछ बोलेगा? बैठ बैठ ना, उधर से ही बात कर तू। अच्छा ठीक है, इसको बोलो हमारा 10 लाख रुपए हमको वापस देगा, हमको फ्लैट नहीं खरीदना है। नहीं नहीं पापा नहीं।
भाई ऐसे कैसे दे दे तुम्हारा पैसा वापस? भाई लोन तुम्हारा पास नहीं हुआ, इसमें मेरी क्या गलती है? भाई अपना लोन पास करा लो, अपना फ्लैट ले लो। मैडम अगर आप कहें तो मैं आपके लिए भी एक दो फ्लैट दिखा दूं। वैसे मैडम इसकी बात गलत भी नहीं है, इसने तो सिर्फ फ्लैट का टोकन लिया है, तो अब ये क्यों वापस दे? हाँ जी जी मम्मी जी, मुझे तो सारी गलती इस लोकेश लोनर और बैंक वालों की लगती है। भाई गलती किसकी है और किसकी ना है ना, वो तो अभी पता लगाऊंगी मैं। और तू हो को मुखर्जी, ऐसा है तू कल को आई हो, कल होगा सारा इंसाफ, चल निकल। और तुम चारो नजर अंदर आओ, चाय पीने। चाय पी आया, पकौड़े वगैरह खा देना। मैडम पकौड़े, मैडम प्लीज, मैडम प्लीज पकौड़े, मैडम प्लीज पकौड़े, मैडम चाय के साथ अगर कुछ हो जाता तो। ऐसा ना यो सब जो करा है ना तुमने, ना तुम्हारी मिली भगत का नतीजा है यो। मैडम मैडम जो हुआ सो हुआ, अब इसी बीच कोई रास्ता निकाली अकेले में? अब पड़ा है मैडम का फंदा, बंद हो जाएगा तुम सबका धंधा। ओके बाय। मैडम मैडम प्लीज हमें बचा लीजिए, दो चार लाख जो लेने हैं ले लीजिए। क्यूटिंग की यार, क्यूटिंग 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 ना कल ठिकाने आ गई सुताई के बाद हैं। चल गुलगुले, ना इनके साथ जाके मार लिया। अरे मैडम इतने सारे पैसों का मैं अकेला क्या करूंगा, आप भी थोड़े ले ले, सारे ले लेना। लेकिन मैडम ये सारा केस रफा दफा तो हो जाएगा ना? रफा दफा और सफा, निकले यहाँ से। अब मैडम आपने लड़की को नहीं मारा? आई डोंट लाइक टू टच गर्ल्स, आई लाइक टू। मैडम आप हमको बुलाया इधर? हाँ वो तुम्हारे केस के बारे में हमने पता किया है, तुम्हें लोन नहीं मिल सकता है। अरे लोन हमको करवाना भी नहीं है, करवाना नहीं है। क्यों नहीं करवाना है? करवाना पड़ेगा क्योंकि FIR लिखी जा चुकी है, और उन लोगों का कहना है अगर तुम सिर्फ एक सही पेपर दे दो तुम्हारा लोन भी हो जाएगा और घर भी मिल जाएगा। सोचो मैडम, सिर्फ एक ही पेपर चाहिए? अरे भैया साना, थारे घर की हाउस वेरिफिकेशन ही तो ना हो रही। एड्रेस वेरिफिकेशन होगा किधर से मैडम? अरे एक साल हो गया, एक साल हम कभी इधर कभी उधर, कभी ये डॉट का बात कभी वो डॉट का बात, और वो लोग बोलते हैं आर एक पेपर लेकर आओ, हम लेके जाता है आवार बोलता है आर एक पेपर लेके आओ, एड्रेस किधर है? भैया साहब कतई जो है जबान ना लड़ा, तू ऐसा जो मैं कह रही हूँ ना वैसा कर, फिर देखती हूँ कौन तन्ने लोन ना दे रहा। आया आया मैडम, हमारा एक दोस्त चुनू 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 लिख के देगा कि हम उसका घर में उसका साथ रहता है। अच्छा ना बेटा गुलगुले चुनू। जी मैडम समझ गया मैडम। तो यार तुम्हारा ये दोस्त चुनू रहता कहाँ है? गरम कटीना टोला, वो टुलू हलवाई है ना, उसका सामने वाला मकान, मकान नंबर 25। बस भैया साहब फिर कल को जो है ना अपने दोस्त ने साथ लेके आई हो तू। ओके ईब निकल। और ऐसा है ना पब्लिक प्लेस में पान खाना मना हो रहा है, बैन हो रहा है ना, रैपट बजा दूंगी, जीप लगा दूंगी मुंह पे मैं, निकल यहाँ से। ठीक है मैडम, इधर नहीं किधर था, करो करो। अच्छा है मैडम, अब मैडम हम कल से हमारा बंदू को ढूंढ रहा है, कल से अभी तक मिला नहीं, किधर हारा गया है मालूम नहीं, एकुन की करबो। अरे अरे चुन्नू, अरे चुन्नू तू इधर क्या करता है? हम गोटरा तुम्हारा बीवी के साथ गुजारा। आई एम सॉरी, हमारा मतलब है भाभी के साथ तुम्हारा घर में तुम्हारा बेड करता रहा, आधा रात को भाभी बोला हम बोर हो रही हूँ बोल के पड़ोसी के घर में गया। हाँ सुबह वापस आया, हम किंतु वहीं बैठा रहा पूरा रात, बोर हो गया एकदम। यो थारा दोस्त है?
ये है चुन्नू, हमारा है बचपन का दोस्त चुन्नू। अच्छा भाई चुन्नू, भाई तू इसने पहचाने हैं? हाँ नहीं, कौन हो भाई तुम, कहाँ से आए हो, किसी की बीबी के बारे में कुछ भी बोल रहे हो? मेरी बीबी? अरे मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई ना। अरे अरे चाहे चुन्नू, हाँ भोकू भोकू, हमको तुम्हारा बचपन का दोस्त को नहीं पहचानता है तुम। मेरा कोई भी दोस्त नहीं है बचपन का, मेरे बचपन का सिर्फ एक ही दोस्त है, गुलगुले। गुलगुले मेरे बचपन का दोस्त है, मैं यहाँ उससे मिलने आया हूँ, समझे? दोस्त 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 मैडम ये मैडम ये खामा खामे फंसा रहा है, हम तो इसको जानते भी नहीं, ये कोई हमारा दोस्त वोस्त नहीं है। हाँ मैडम ये तो मेरा दोस्त है, अरे बचपन में याद है हम दोनों किस तरह खेला करते थे, कूदा करते थे, मस्तियां किया करते थे। ए, 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 सबको भुआ। मम्मी जी मुझे तो ये ना पोंको ही चाड़वा लगता है। हाँ मैडम हम यहाँ पर इसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और ये मेरे ही दोस्त पे डोरे डाल रहा है, डाका डाल रहा है। देखो मैडम हमारा 10 लाख रुपया का नुकसान हुआ है, ए आपको ए चालबाज ए डाकू ये तो बोलता है हमको। भैया साहब होको ना, तुम ने यो बता कि थारे बिजनेस में तू किसी प्रकार की रिश्वत ना ऊपर की कमाई टिप लिया करे तू? नहीं देखो मैडम हम कसम खाते हैं, हम कभी इधर उधर से किधर से कोई पैसा नहीं कमाया ना। तो 10 लाख रुपए परमात्मा ने थारी गोद में टपका दिए जो तैने बिल्डर को दिए? वो हमारा शुशुर दिए। शुशुर? अरे हमारा पत्नी का बाप। ओफ भैया साहब जब ससुर 10 लाख बांट सके तो ठाणे में ना आ सके। भैया साहब अपने ससुर ने धर के ला, कोई हम भी तो देखें उसने तैने 10 लाख दिए भी हैं कि ना है? ये! हो 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 হচ্ছেটা কি মানে? না তুই দেখতে পাচ্ছিস না নিয়ে চোখ দিয়ে দুজনে বন্ধু চলে গেছে দুজনে, আর তুই কি দেখছিস চোখ ফেড়ে ফেড়ে? একটা চর মারবো না তোকে, ব্যাঙ্গের মাথা আকেলের হাঁড়ি না কে সমাজ রক্ষা তেনে? হ্যাঁ না চটালা সিফ হরিয়ানা ভি বোলা করে। আরে এসা হ্যাঁ সর্বগুণ সম্পন্ন হরি হ্যাঁ, ইন্ডিয়া ইজ বন রাজা হিন্দুস্তানি। উড়ি বাবা বলে মম্মি জি ইউ আর গ্রেট গুড। प्रणाम, हम हूँ सरस्वती सारस्वत। ना तो ये भी वो भी बता दे कि तैने ना इसे 10 लाख रुपए दिए थे? हाँ दिए थे। ओहो तो अंकल जी आपने अपने दामाद को 10 लाख का गिफ्ट दिया? गिफ्ट? अरे हमारा दिमाग खराब हो गया क्या? ताकि बात आई गई हो जाए। मतलब आपने इसको गिफ्ट नहीं दिया? नहीं हम गिफ्ट नहीं दिए। ना तो तैने 10 लाख दहेज में दिए? दहेज? अरे हम काहे को दहेज देंगे भाई? ए दामाद जी कहीं आप ही तो नहीं समझ बैठे हैं कि हम आपको दहेज दिए ताकि बात आई गई हो जाए। देखिए हम आपको उधार दिए हैं और बात आई गई नहीं होनी चाहिए। हाँ भैया साहब अंकिल की जब कोई आदमी किसी को उधार देवे ना तो उससे पूछे भी है कि भाई उधार तो दे रहा हूँ पर तू चुकाएगा कब, तो तैने इससे पूछी? हाँ हम इनसे पूछने ही वाले थे तब तक इनका एक फोन आ गया और बात आई गई होगी, और जब हम दोबारा इससे पूछने वाले थे तब इसको टॉयलेट आ गया और फिर बात आई गई हो गई। ना बेवकूफ बैठ रखे हैं यहाँ पे, ना किस प्रकार की स्टेटमेंट बोल रहा है तू? भैया शायद दहेज लेने और देने दोनों के जुर्म में तुम दोनों अंडर अरेस्ट, बाल को इनके गले में टायर डाल के अंदर धर लो। अरे ये बड़ी अच्छी बात है, हमने 10 लाख रुपए भी गए, अब बात आएगी कैसे होगी? अरे चलो चलो अरे मैडम अरे गलत फहमी हो गया मैडम। थैंक यू मैडम, थैंक यू क्यूटिंकी चिटर। ए मैडम चिटर, ए चिटर मच्छी बाजार समझ रखा है के? चुप। हाँ भाई भाई तुम्हारा पंछी तो हमने कर दिया है अंदर, तो ये ना तो यो बाहर निकलेगा, ना तुमसे 10 लाख मांगेगा और ना ही कोई केस करेगा यो, टेंशन मत लो, आर यू हैप्पी? थैंक यू मैडम। हाँ चलो अपने घर जाके करो यो थैंक यू की बरसात। चलो
थैंक यू बार बार थैंक यू। और सुनिए या भाई न जाने क्यों पर आपको जाता सा देख के जो है ना मन सही कोई ना लग रहा। मैडम अगर आप कहें तो मैं आपसे मिलने यहाँ रोज आ जाया करूं। रोज ना आज रात को चौकी में आज रात को चौकी में आ जाना करेंगे जसन और मैं तने दिखाऊंगी अपना टसन। ना मैं भी जो है ना जब से तैने देखा है यो ही चाह रही हूँ कि थारे जैसे हैंडसम रिच ना बिल्डर के दिल में अपने प्रेम का बंगलो बनाऊं और उसमें बस जाऊं परमानेंट। अरे तो बस जाओ ना। अरे ऐसे कैसे बस जाओ ना। अरे क्या प्रूफ हो रहा कि तू हमारे से प्रेम करे ना कल को मन ने छोड़ के चला गया तो मैं तुम्हें छोड़ दूं ये हो नहीं सकता और तुम मुझे छोड़ दो ये मैं होने नहीं दूंगा। ए अन्ना ऐसा है ना कि तू यदि हमारे से सच्चा प्रेम करे तो तू प्रूफ दे ना मतलब ना तू ऐसा कर ना उस मुखर्जी का जो फ्लैट हो रहा ना वो तुम्हारे नाम कर दे तो मैं समझ जाऊंगी कि तू मन ने छोड़ेगा नहीं तुम्हारे से प्रेम करे। मेरी जान समझो वो फ्लैट मैंने तुम्हारे नाम कर दिया। अरे कहाँ जाऊँ ना ऐसे कैसे नाम करा। अरे तू साइन कर लीगल डॉक्यूमेंट्स भी कुछ होते हैं भाई। अरे ठीक है हम कागज बनवा लेंगे। अरे बनवाना लेंगे बनवा रखे हैं भाई मैंने एक मिनट यो ले भाई जल्दी से साइन कर ले यहाँ पे फिर हम ना शादी कर लेंगे। इन पर्पल बालों की कसम मैं चाहता हूँ कि हर पल पल मैं इन बालों की छांव में लेटा रहूं। अपनी इस बंदूक की एक गोली मेरे सीने में ताक दो। मजा आ गया। बहुत मजा आया। ओ, मारो मुझे। चलो। वेरी गुड थैंक यू। बस अपनी एक प्यार की मोहर यहां चढ़ दो। आंख बंद कर लो। ये सब क्या है? यो सब चंद्रमुखी चौटाला का इंसाफ से इन कागज पे जिन पे तैने साइन कराया ना अभी ना इस पे यो लिखा है कि 10 लाख रुपए में तैने वो मकान इस भोको मुखर्जी को बेच दिया। ना मैं चाहती ना तो तुम सबने उसी दिन अरेस्ट कर लेती जब तुमने अपना गुनाह कबूल करा था और मैं चाह रही थी कि इस भोकू मुखर्जी को इंसाफ मिले। यो ले बेटा थारी फाइल। कांग्रेचुलेशन यू हैव द फ्लैट गुड। अब भोकू मुखर्जी को तो मिल गया है इंसाफ और तुम सबको मारे बालक करेंगे साफ।